हदीस में आता है भूले से खाने पीने से रोजा नहीं टूटता गलती से खाने पीने से टूटता है नहीं ऐसा कोई ऐसी कोई हदीस नहीं है गलती से खाना पीना अलग चीज है भूले से खाना पीना अलग चीज है भूले का मतलब यह है कि आपको रोजा याद ही नहीं था और आपने खाना खा लिया तो इससे रोजा नहीं टूटता गलती का मतलब यह कि रोजा आपको याद है लेकिन आपने बेहतियाती की उस बेहतियाती में पानी हलक में चला गया जैसे आप वजू के दौरान गरारा कर रहे थे आपको रोजा याद भी है गरारा करना जायज नहीं है वजू में इसलिए कि खतरा होता है लेकिन आप फंडर बने हुए थे आपने गरारा किया कि मैं एहतियात से करूंगा और हलक में पानी नहीं जाने दूंगा और पानी हलक में चला गया तो रोजा आपका टूट जाएगा इसी तरह स्विमिंग इस पूल में नहा रहे थे या वैसे शॉवर ले रहे थे आप और पानी गलती से आपके हलक में चला गया रोजा आपको याद है और गलती से पानी हलक में चला गया तो आपका रोजा टूट जाएगा लेकिन साठ रोजों का कफारा लाजिम नहीं होगा क्योंकि आपने जान कर नहीं पीया कफारा उस वक्त होता है जब रमजान का रोजा आप जान बूझ कर बगैर किसी शरी गुजर के तोड़ें